स्वागत है दोस्तों। आज 19 जुलाई 2023 दिन बुधवार का और हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल द्वितीया। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीमा हैदर की गतिविधियों पर गहराता जा रहा संदेह, एटीएस ने दूसरे दिन भी पूछताछ की है। कई नई जानकारियां सामने आई हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की गतिविधियों पर जांच एजेंसियों का संदेह गहराता जा रहा है। दूसरे दिन भी सीमा और उसके पति सचिन मीणा को बुलाकर लंबी पूछताछ की गई। सीमा जासूस है या प्रेमिका, इसको लेकर गहन जांच चल रही है। पूछताछ के दौरान सीमा लगातार रोती रही। वहीं यूपी एटीएस ने सीमा हैदर के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला है। सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। वहीं एटीएस सूत्रों ने बताया कि सीमा अपने कई बयानों से लगातार पलटी हैं। पूछताछ के दौरान वह लगातार रोती रही। वहीं आईबी ने एसएसबी से पूछा कि कैसे बॉर्डर क्रॉस हुई सीमा। काठमांडू जा रही जांच की टीम पहली बार मिलने से यूपी आने तक के दावों की पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार तो सात समंदर पार, झारखंड पहुंची पोलैंड की महिला। प्रेमी के घर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इन दिनों अपने प्यार नोएडा के सचिन को पाने के लिए चार बच्चों की मां सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की कहानी सुर्खियों में है। और इसी बीच पोलैंड की 45 वर्षीय महिला और झारखंड के हजारीबाग जिले के एक युवक की प्रेम कहानी भी सामने आई है। अपने प्रेमी से मिलने के लिए पोलैंड की ये महिला अपनी 5 साल की बेटी को भी साथ लेकर आई है। वहीं आपको बता दें, यूपी एटीएस ने दो और पाकिस्तानी एजेंट को गिरफ्तार किया, एक गोंडा का तो दूसरा मुंबई का। जासूसी करने के लिए आईएसआई से रकम मिलती थी। यूपी एटीएस ने दो और पाकिस्तानी एजेंट की गिरफ्तारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए में कोई भी दल छोटा या बड़ा नहीं, हमारे साथ ऐसे दल हैं जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। बेंगलुरु में विपक्ष की दो दिन की बैठक मंगलवार शाम 4 बजे खत्म हुई। इसके बाद दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए में शामिल 39 दलों की मीटिंग हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सभी नेताओं ने एनडीए को मजबूती देने का काम किया है। 39 दलों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प। वहीं विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया खड़गे ने ऐलान किया, बोले 11 लोगों की समन्वय समिति बनेगी, अगली बैठक मुंबई में होगी। विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक मंगलवार को बेंगलुरु में हुई। 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA तय किया गया। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्लेन की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बेंगलुरु से लौटते समय तकनीकी खराबी आ गई, 1.5 घंटे रुकने के बाद दिल्ली रवाना हुए। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अब नेपाल जाना महंगा हो गया। नेपाल ने गाड़ियों पर परमिट चार्ज को बढ़ा दिया है। 2-व्हीलर पर 500 रूपए और 4-व्हीलर गाड़ियों पर 700 रूपए देना होगा, यानी अब पर्यटकों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब भारत से नेपाल जाना और महंगा हो गया। पड़ोसी देश ने वाहनों का परमिट शुल्क बढ़ाया, ये फैसला सोमवार से ही लागू भी हो गया। वहीं दिल्ली में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में बांध टूट गया, लक्सर कस्बे में बाढ़ का खतरा, शिमला में 6 अगस्त तक ट्रेनें भी रद्द हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में मंगलवार को यमुना का जल स्तर और घट गया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि अभी वे रिलीफ कैंप में ही रहें, क्योंकि यमुना के जल स्तर में लगातार बदलाव हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी है। सोनाली नदी का बांध टूटने से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर कस्बे में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। वहीं बड़ी खबर, अमित शाह ने लॉन्च कर दिया है सहारा रिफंड पोर्टल। आवेदन करने के 45 दिनों में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। सहारा परिवार कंपनी द्वारा ठगी के शिकार निवेशकों के अच्छे दिन लौट आए हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी है। 45 दिन में पैसे मिलेंगे, अभी केवल 10,000 रूपए तक का भुगतान होगा। पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के पैसे वापस आएंगे जिनके निवेश की अवधि पूरी हो गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम पारदर्शी तरीके से 5,000 करोड़ रूपए के भुगतान की शुरुआत कर रहे हैं। जब ये 5,000 करोड़ रूपए निवेशकों को मिल जाएंगे तो फिर हम कोर्ट के सामने जाएंगे और हम कहेंगे कि अभी इतने निवेशक बचे हैं और पैसे दिए जाएं। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसके जरिए 1 करोड़ निवेशकों को 10,000 रूपए तक राशि का भुगतान होगा। जिनका 10,000 रूपए तक का निवेश है वो, और जिनका 10,000 रूपए से अधिक निवेश है उसमें भी 10,000 रूपए की राशि का भुगतान होगा। इसे ट्रायल के रूप में शुरू किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि निवेश किया है उन लोगों को पैसा मिलकर रहेगा। वहीं बड़ी खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे 20 जुलाई से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह घोषणा की है। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी जी के निमंत्रण पर 20 से 21 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। वहीं मोदी सरनेम केस से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट के सजा पर रोक से इंकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीएम किसान योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी है। 14वीं किस्त भी किसान भाइयों के बैंक खातों में जल्दी आने वाली है। जिन लोगों ने अपने KYC कंप्लीट नहीं किए उनके पैसा आने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए pmkisan.gov.in सरकार की वेबसाइट है, जहां पर आप चेक कर लीजिएगा अपने अकाउंट में KYC कंप्लीट है या नहीं। वहीं बड़ी खबर है, क्रिप्टो करेंसी के लिए बनेंगे नए नियम। G20 की बैठक में ये मुद्दा उठा है। कई देशों ने सहयोग पर सहमति जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि G20 बैठक में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक व्यवस्था बनाने को लेकर चर्चा हुई है। वहीं वित्त मंत्रालय ने बैंक मर्जर को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब इन 3 बैंकों का विलय हो सकता है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और मर्जर को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही है। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंक मर्जर को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अब सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 3 ग्रामीण बैंकों के मर्जर का प्लान सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें वित्त मंत्रालय ने इस नोटिफिकेशन को गलत बताया है। इस तरह की खबर को देखने के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबरें फेक हैं। मंत्रालय का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े ग्रामीण बैंकों के विलय पर वित्त मंत्रालय ने किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। बड़ी खबर है, NRI को पैन नंबर फिर से चालू कराने के लिए देना होगा अब ये डॉक्यूमेंट। इनकम टैक्स विभाग ने निर्देश जारी किया है। आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों यानी NRI और विदेशी नागरिकों का पैन यानी स्थायी खाता संख्या आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया, उन्हें फिर से चालू कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते का प्रमाण पत्र जमा कराना चाहिए। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगले 2 साल में इंडियन प्रोग्रामर्स की नौकरियों पर बड़ा खतरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी स्टेबिलिटी AI के CEO इमाद मुश्ताक ने कहा कि आने वाले समय में आउटसोर्स किए गए ज्यादातर कोडर्स को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए काफी कम लोगों की जरूरत होगी। जिन पर ChatGPT और ऐसे जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, इनकी वजह से खतरा मंडरा रहा है। ग्वालियर में एलिवेटेड रोड को कैबिनेट की मंजूरी। भोपाल में फ्लाईओवर बनेगा। निवाड़ी में कृषि विभाग के 19 नए पद भी स्वीकृत हुए हैं। मध्य प्रदेश में 1842 करोड़ रुपए से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। वहीं लाडली बहना योजना के आवेदन की उम्र 23 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। पहले यह 23 साल से 60 साल तक थी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने संविदा नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में 4 जुलाई को संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते अवकाश देने सहित जितनी भी घोषणाएं की गई थी सभी को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने नई संविदा नीति 2023 को पास कर दिया है। इसके अनुसार संविदा कर्मचारियों का वेतन नियमित कर्मचारियों के पद का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता व CPI इंडेक्स मिलेगा। संविदा कर्मचारियों को भी शासकीय कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी और अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी। संविदा कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही होगी। महिलाओं को 6 माह का प्रसूति अवकाश भी मिलेगा। 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के 750 से लेकर 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे। वहीं प्रदेश के करीब 10 लाख कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने करीब 7.5 लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 42% कर दिया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, 9वीं और 11वीं के एडमिशन तारीख बढ़ गई है। हरियाणा में नए सत्र 2023-24 के लिए राजकीय और प्राइवेट विद्यालयों में 9वीं व 11वीं में प्रवेश के लिए तारीख बढ़ा दी है। अंतिम तारीख 14 अगस्त तक बढ़ाई गई है। वहीं एक अलर्ट करने वाली खबर है, दांत दर्द में चली गई युवक की जान। ये खबर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर हम छोटी मोटी बीमारियों के लिए यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं। ऐसे ही शख्स ने ये वीडियो देखा, दांत दर्द हो रहा था, यूट्यूब में देख कर दर्द के इलाज के लिए कनेर के बीज का इस्तेमाल किया। फिलहाल युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सोशल मीडिया से मिला ज्ञान कई बार जानलेवा साबित भी हो जाता है, और ऐसा ही मामला बोकारो जिले के नवाडिया में प्रकाश में आया। यहाँ पर एक युवक YouTube में देखकर दांतों के दर्द को कम करने के लिए कनेर के बीज का इस्तेमाल कर लिया और ये जानलेवा साबित हुआ, ऐसी खबरें हैं। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में भी एडमिशन की तारीख बढ़ गई है, 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सड़कें बंद होने से और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने से छात्र एडमिशन से वंचित हो गए थे। हिमाचल प्रदेश में आपदा पीड़ितों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है, जिनके घर टूटे उन्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे और पशुओं की मौत होने पर 55,000 रुपए मिलेंगे, प्रति बीघा भी मुआवजा दिया जाएगा। वहीं राजस्थान के करीब 40,000 प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि RTE के तहत प्री प्राइमरी में एडमिशन का भुगतान सरकार को करना होगा। वहीं राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाएं, 1 अगस्त से फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी, वरना लेट होने पर 3 महीने बाद से लाभ मिलने लगेगा। राजस्थान पुलिस में 3,578 कांस्टेबलों की भर्ती होगी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति दी है। वहीं राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने Level 1 और Level 2 के टीचर्स की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती को अंतिम रूप दिया। चयनित टीचर्स को अब जिलों का आवंटन कर दिया गया। वहीं इस राज्य में शुरू हुई नीट PG काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया, 23 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है।
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज BFUHS की तरफ से मेडिकल कॉलेज में PG कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों से खरीदा जाएगा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान, सहकारी समितियां भी मजबूत होगी, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। वहीं NEET UG काउंसलिंग से पहले छात्रों के लिए खुशखबरी आई है, इस राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने से MBBS की सीटें भी बढ़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 9 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, इन दिनों अपने ऊपर बने मीम्स खंगाल रही ज्योति मौर्य। उन्होंने कहा कि मैं लीगल एक्शन लूंगी। PCS अफसर यानी SDM ज्योति मौर्य का मामला लगातार सुर्खियों में है। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच जो विवाद और लड़ाई छिड़ी हुई है वो अब कोर्ट तक पहुंच गई है। वहीं ज्योति मौर्य को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की रील भी बनाई जा रही है, अश्लील गाने भी वायरल हो रहे हैं। ज्योति ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक रील और गाने बन रहे हैं उन पोस्ट के जरिए उनके चरित्र का हनन करने की कोशिशें हो रही हैं। उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर को लेकर पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर किया गया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, यूपी का मौसम फिर बढ़ा, गंगा और यमुना का जलस्तर। प्रदेश के कई जिलों में चक्रवाती बारिश होने का अलर्ट है। यूपी की नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगले 3 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब में स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ी सौगात, पेंशन में 1600 रुपए का इजाफा हुआ है, अब 11,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही प्राइवेट मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की एफिलिएशन फीस बढ़ाई जाएगी, उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय की 10वीं वित्त समिति की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं OTT पर अश्लीलता और गाली गलौच बंद होगी, सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को ओवर द टॉप OTT मीडिया प्रसारकों से मंगलवार को कहा कि सरकार रचनात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने की अनुमति नहीं देगी। वहीं ई सिगरेट बेचने पर 15 वेबसाइटों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस भेजा, बिक्री बंद करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में 51,000 घरों का सर्वे किया गया, 1,040 घरों में डेंगू और मलेरिया का लार्वा मिला है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST को लेकर कंपनियां नाराज बताई जा रही हैं। मंत्री जी ने भरोसा दिया है, काउंसलिंग से बात करेंगे। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वे टैक्स पर फैसले लेने वाली संस्था से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश में तबादलों से जुड़ी बड़ी खबर, UP टीचर ट्रांसफर, पारस्परिक तबादले के लिए अब 24 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब 24 जुलाई की मध्यरात्रि तक पूरी की जा सकेगी। वहीं गुरुग्राम में सैकड़ों घरों पर लटकी सीलिंग की तलवार, 400 मकान मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं। यानी गुरुग्राम में सैकड़ों मकानों पर सीलिंग की तलवार लटक रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टरों के आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों पर कार्रवाई करेगा। वहीं दिल्ली से जुड़ी खबर है, मच्छरों से अलर्ट, दिल्ली सरकार, स्कूलों में बचाव के उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए, बच्चों के लिए जरूरी नियम जारी हुए हैं। दिल्ली में बाढ़ और बारिश के चलते डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया, सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। मच्छर न काट सके इसके लिए बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने के लिए कहा गया। वहीं विप्रो, TCS और अब इंफोसिस, AI की ओर बढ़ने लगे IT कंपनियों के कदम। उत्तराखंड के सभी रूटों पर CTU की बसें शुरू हो गई हैं। शिमला और मनाली अभी भी बंद हैं। पिछले दिनों हुए भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई रूटों पर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बस सेवा भी प्रभावित हुई थी। अब उत्तराखंड के लगभग सभी रूटों पर बस सेवा पहले की तरह शुरू हो चुकी है। वहीं हिमाचल के शिमला और मनाली के लिए CTU की बसें नहीं जा रही हैं। हालांकि ऊना, चंबा, बैजनाथ रूट पर बसें पहले की तरह चल रही हैं। वहीं यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को सहूलियत, सब्सिडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, सीधे ही बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में खरीफ 2023 के लिए बीमा करवाने की अंतिम तारीख बढ़ गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा अपडेट है, अंतिम तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2023 कर दी गई है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, नकली सोना रखवा कर दिया 63 लाख का लोन, ICICI बैंक के ब्रांच मैनेजर सहित 14 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। ICICI बैंक राजगढ़ शाखा में 5 महीने पहले फरवरी महीने में ऑडिट में सामने आया, ग्रामीणों की 96 लाख रुपए की FD से OD की राशि आहरण करने के 17 लोगों पर केस के बाद अब बैंक में नकली सोना रखकर धोखाधड़ी करने वाले 14 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को हटाया, जल्द ही भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव होगा। भारतीय सेना के लिए 1850 स्कॉर्पियो क्लासिक बनाएगी महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी को इंडियन आर्मी की तरफ से 1850 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक SUV बनाने के ऑर्डर आए। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार, कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में नदियों के 100 मीटर दायरे में भवन निर्माण पर रोक की तैयारी हो रही है, कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। बिहार पुलिस को देना होगा गिरफ्तार आरोपियों को 1.5 लाख रुपए जुर्माना। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने नाबालिग बच्चों के हाथ में हथकड़ी लगाने को लेकर पुलिस पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाकर मीडिया के सामने लाने पर भी आयोग ने पुलिस की तीखी आलोचना लिखी है। आयोग की ओर से कहा गया कि अंडर ट्रायल कैदियों को हथकड़ी लगाना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के साथ खिलवाड़ है। जुर्माने की राशि 6 पीड़ितों को मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया गया। वहीं वाराणसी से जुड़ी खबर, अब कुत्ता बिल्ली पालने पर भी देना
देना होगा टैक्स। ई रिक्शा चलाने वाले लोगों से भी कर वसूलने की तैयारी हो रही है। वहीं व्यावसायिक भवनों, कोचिंग संस्थान, अस्पतालों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और उनमें खुले दुकानों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। एसी वाले होटल संचालकों से 10,000, नॉन एसी पर 5,000 रुपए सालाना वसूल किए जाएंगे। सीवर और जल कर के बकायेदारों को सरचार्ज में 1 महीने तक छूट मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। सोने चांदी के भाव, मंगलवार सुबह सोना 59,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,113 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJA की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। वहीं अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 19 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बरसात होने का अनुमान है। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ इलाके, कोंकण और गोवा, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड के पश्चिम और उत्तरी इलाके, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।